गूगल एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम गूगल एड्स कंपैरिजन फीचर यूज करना सीखेंगे ताकि आप अपने एड्स की परफॉर्मेंस उसकी ट्रैकिंग अच्छे से कर पाएं, ताकि आप अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ को अगर देख पाओगे तभी तो आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाओगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल फीचर है, बहुत आसान है, पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गूगल एड्स का पूरा कोर्स आपको अच्छे से आ रहा होगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन पाओगे। और गूगल एड्स की तरह ही आप हमारे चैनल से 50 से ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज में से कुछ भी सीख सकते हो जो आपको सीखना है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर 50 से ज़्यादा और नए कोर्स आ रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल आर्ट्स के कंपेयर फीचर के बारे में, हाउ टू डू कंपैरिजन इन गूगल आर्ट्स। बेसिकली गाइस, कभी भी आप कोई भी कैंपेन रन करते हो तो आपने नोटिस किया होगा चेंजेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कैंपेन आप रन करते हो तो उसमें आप चेंजेस करते हो। अब हमें ये चेक करना है कि जो लास्ट मंथ हमने कैंपेन रन किया था उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, और जब हमने उसको नेक्स्ट मंथ उसको ऑप्टिमाइज किया तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही। तो ये सब चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें कंपेयर फीचर को यूज करना होता है। तो ये आपको मिलता है बेसिकली जहां पर आप एक बार हम लोग आ जाते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पर जहां पर आप लोग टाइम सेलेक्ट करते हो यानी कि डेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, यहीं पर आपको लास्ट में मिल जाता है कंपेयर फीचर। ये हमारा सिंपली आपको ऑन करना है और यहाँ पर एक टाइम सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कब से लेकर कब तक का यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हो। तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि फ्रॉम 1 से यहाँ पर हम 20 तक का एनालिसिस करना चाहते हैं, और जो भी आपका टाइम रहेगा, जैसे कि हम लोग 11 से 31 तक हमारा पहला रहेगा, यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा 11 से लेकर या फिर 18 से लेकर 30 तक में क्या परफॉर्मेंस रही और 1 से लेकर 20 तक में क्या परफॉर्मेंस रही। तो सिंपली आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, जो पहला कंपेयर होगा हमारा वो इस डेट से लेकर इस डेट तक का होगा, और जो सेकंड हमारा कंपेयर होगा वो हमारा फ्रॉम इस डेट से लेकर इस डेट तक रहेगा। ओके, तो ये हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया और सिंपली आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट्स दिखेंगे कि आपकी एवरेज सीपीसी क्या गई, आपकी परचेजेस कितने हुए, यहाँ पर आपका कितना टोटल कॉस्ट गया। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन में दिख जाएगा टोटल आपके कितने कॉस्ट गए लास्ट मंथ के कंपेयर में, जैसे कि हम यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं और अप्लाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हमारा टोटल कॉस्ट कहाँ गया, कितना गया, कितने परचेजेस आए, आपके कितने क्लिक्स आए, कितना आपका CTR रहा। तो एक बार हम CTR पे क्लिक करते हैं तो CTR हमारा इतना रहा, हमारे इंप्रेशंस इतने हुए, हमारे क्लिक्स कितने आए, यहाँ पर भी हम क्लिक्स पे करते हैं तो आपको क्लिक भी कंपेयर हो जाएगा, आपकी एवरेज सीपीसी कितनी गई, आपकी कॉस्ट कितनी गई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस कंपेयर फीचर के थ्रू। तो इस टाइप से आप अपने कंपेयर भी कर सकते हो, अपने जो भी आपके कैंपेन्स चल रहे हैं उनको भी आप यहाँ पर इस टाइप से कंपेयर कर सकते हो इस टाइम फ्रेम से, इस टाइम फ्रेम के बीच में कि हाँ आपकी ये जो है क्लिक्स आए हैं, ये आपके इंप्रेशन आए हैं, ये आपका सीपीसी आया है, और ये आपकी कॉस्ट गई थी लास्ट जो भी आपने एक डेट रेंज सेलेक्ट कर रखी थी फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। अगर वो आपकी कोई भी अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ था, उसमें कुछ एड्स ही नहीं चल रहे थे, तो आपको पूरा सेम दिखेगा कि जैसे यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, वैसे ही आप एड ग्रुप लेवल पे भी देख सकते हो, आप कैंपेन लेवल पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको वो क्लिक्स कितने आए हैं, ठीक है। वो आपका उस कंपेयर उस टाइम फ्रेम में कंपेयर करेगा जो आपने यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, डेट रेंज सेलेक्ट कर रखी, उसमें आपको कंपेयर करके यहाँ पर भी आपका CTR, आपका एवरेज CPC कितने आ गया, आपका कॉस्ट कितना गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, मेक श्योर कि आपके कैंपेन उस पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर चले होने चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज इस टाइप से आपको सेम दिखेगा। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।